रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं। आपका भी कोई प्लान है तो आप प्लेन, ट्रेन और रोड के जरिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। इस समय हम अयोध्या एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं और यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आज हम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के जरिए अयोध्या दर्शन कराएंगे और आपका जो सफर होगा वो किस तरीके से आसान आप बना सकते हैं और कहां कहां आप जा सकते हैं और अयोध्या कितनी तैयार है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखें कि यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है और यहीं से शुरू होती है अयोध्या नगरी, धर्म की नगरी। अयोध्या में ना सिर्फ मंदिर का निर्माण तेजी के साथ में हो रहा है बल्कि सड़कें बन रही हैं, हर तरफ से यहां पर विकास के काम हो रहे हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे पर किस तरीके से रेलिंग को कलर किया जा रहा है, उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि अयोध्या साफ सुथरी दिखे, सुंदर दिखे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, तैयारियां भी चल रही हैं और जल्द ही ये पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन की दूरी 11 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से लेकर जन्मभूमि की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से आते हैं तो जन्मभूमि तक पहुंचने में बाई रोड थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ट्रेन से आते हैं तो थोड़ी ही समय में आप जन्मभूमि तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन का काम भी चल रहा है और आखिरी पड़ाव पर है, बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत ही भव्यता है और पहली ही नज़र में, पहले लुक में आपको ये रेलवे स्टेशन राम मंदिर की झलक दिखेगी। प्लेन से आए या ट्रेन से या फिर रोड के माध्यम से अगर गाड़ी पार्क करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है जो जन्मभूमि से चंद कदमों की दूरी पर है और यहाँ पर फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी इंतजाम रखा गया है। मल्टी लेवल पार्किंग से जन्मभूमि की दूरी महज 500 से 600 मीटर पर है और ये है राम जन्मभूमि पथ। इस जगह पर आप देखें कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं और दूसरी तरफ राम स्तंभ बनाया जा रहा है, 2 राम स्तंभ जो प्रवेश द्वार पर ही बनाए जा रहे हैं और ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। राम जन्मभूमि के ठीक पास में हनुमानगढ़ी है, राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और इसके आसपास के एरिया को भी पूरी तरीके से चमकाने का काम चल रहा है। सरयू नदी में कभी गंदगी का अंबार था लेकिन रिकॉर्ड तोड़ समय में सरकार ने इसे साफ करके दिखाया है और अब यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं।